वाह बीरबल वाह, 3 दिन लगातार शिकार करने में मजा ही आ गया। आहा, ओह, 3 दिन तक, अरे क्या खाक मजा आया बुबू। 3 दिन तक आप अपने तंबू में आराम ही करते रहे, एक तीतर तक नहीं मारा आपने। शिकार पर हम अकेले जा रहे थे, अब हम तंबू में आराम करें या बंबू पर चढ़ें या जंगल के जंगली लोगों के साथ हम नाचें, हमारी मर्जी। आप तो किसने कहा था हमारे साथ आने के लिए? लेकिन जा बनाकर आपको आराम ही करना था तो महल में ही कर लेते, शिकार के लिए जाने की क्या जरूरत। अरे बीरबल आप समझते नहीं है, यहाँ पर रानी साहिबा और सासू अम्मी हर वक्त हम पर सवार रहती हैं। उनके जुल्म और सितम से बचने के लिए तो हम यहाँ से बाहर गए थे, अब देखिए वापस आ गए हैं तो हमारा शिकार करने के लिए वो दोनों आती होंगी। सलीम के अब्बा, क्या कहा था हमने? आइए आइए रानी साहिबा, आइए बैठिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। तो आप भी बैठ जाइए। नहीं, हम यहीं पर ठीक है जहां पर। वैसे रानी साहिबा आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। तैयार है किस लिए? आपका शिकार होने के लिए। क्या? नहीं, हमारे कहने का मतलब है आपकी बातें सुनने के लिए। सलीम के अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया जीवन क्या है। जीवन तो बस एक संघर्ष है। और जीवन क्या है? जीवन तो रोटी कपड़ा और मकान है। बहना आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? हम समझ गए रानी साहिबा ऐसा क्यों कह रही। क्यों? क्योंकि आज रानी साहिबा नहीं बल्कि सासू अम्मी हमारा शिकार करेंगी। आप दोनों ने आपस में ही तय कर लिया है, एक दिन आप हमारा शिकार करेंगी, अगले दिन वो हमारा शिकार करेंगी। वैसे कहाँ है सासू अम्मी, दिखाई नहीं दे रही। मुझे बताया बुबू, दादी सा अपनी तलवार की धार लगाने के लिए गई हुई है। हाँ, आपका शिकार करने के लिए, क्योंकि अगर तलवार की धार नहीं लगेगी तो उनको आपका शिकार करने में मजा नहीं आएगा ना। ओए वासु, मासा हमारी छोटी मासी के यहाँ भोजपुर गई है, कुछ दिनों के बाद आएगी। सच? मतलब रानी साहिबा आज वैसे भी आपने ये हुलिया क्या बनाकर रखा है? कहीं हमारी गैर हाजिरी में हमारे महल में चोरी तो नहीं हो गई? ये कोई चोर आया और आपके कपड़े गहने चुरा कर ले गया? हाँ, जहां बना हमने फैसला किया है कि आज के बाद हम गरीबों की तरह रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, आप सब भी। आप जहां बना, भाई साहब आप, वासु तुम, और जब सलीम आएगा तो वो भी गरीबों की तरह रहेगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप पैसा क्यों चाहती हैं हमसे? हाँ, उसके लिए आपको वो जानना होगा जो हमारे साथ कल हुआ है। अब्दुल कैसे हो? अरे राम, सब ठीक? आओ आओ। वाह वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। संजना, अंशिका, इतने दिनों के बाद रियासत का दौरा करने निकले। चलो चलो, देखते हैं हमारी रियासत में कौन क्या कर रहा है। ओए, देख के नहीं चल सकती क्या? देख कर तो आप भी नहीं चल रही थी रानी साहिबा, या फिर शायद हम गरीबों पर आपकी नजर ही ना पड़ती हो। आप ठहरी रानी साहिबा, बदतमीज, कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम हमसे। तुम जानती भी हो इसके लिए तुम्हें सजा हो सकती है। आप जो चाहे कर सकती हैं रानी साहिबा, महल में ये ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ये महंगे कपड़े, ये साड़ियाँ, ये सब पहनना, हम गरीबों को अपने पैर की जूती समझना, इसके अलावा आपको आता क्या है? तुम तु,
तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, आप किस तरह की बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप रानी, एक महीना, सिर्फ एक महीना गरीबों की जिंदगी जीकर दिखाई है रानी साहिबा। अमीर रानी तो आप है ही, अब गरीबों की रानी बनकर दिखाइए। एक महीना, सिर्फ एक महीना। क्या हुआ रानी साहिबा, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, बोलती बंद नहीं हुई है। हम गरीबों की रानी बनकर दिखाएंगे आप, एक महीना ना, एक महीना ही सही। और हम नहीं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार गरीबों की जिंदगी जी कर दिखाएगा। जाओ रियासत में जाकर लोगों को कह दो कि आज से क्या, अभी से ये रानी साहिबा गरीबों की रानी है, गरीबों की रानी। हाँ जहां पना, ओह लाइए कि पैर दीजिए। रानी साहिबा, आपने एक सब्जी वाले के साथ शर्त लगाई है। मुआफी जाएंगे रानी साहिबा, लेकिन इस शर्त में हम आपका साथ नहीं दे सकते। मुझे पता है वो भी, मैं भी नहीं साथ दे पाऊंगा। पहना हम भी नहीं, नहीं। ओए, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे आप सबको, हमने गरीबों की रानी बनने का फैसला कर लिया है और आप सबको हमारा साथ देना होगा। और जिसने हमारा साथ नहीं दिया ना, हम मासा को बताएंगे, उसे मासा ही आकर समझाएगा। मुझे पता है भूभी, मैं तैयार हूँ। आप बेटा, हम भी। लेकिन रानी साहब, आप बिरबल, आप कुछ नहीं कहेंगे। जहां पर ना, आप हमारे साथ हैं या हम मासा को बुलाए? हम आपके साथ हैं रानी साहिबा। अच्छा अच्छा, आप कुछ हमसे कहें और हम ना माने, कभी ऐसा हो सकता है? वाह, अरे सासू अम्मी जैसी पवित्र आत्मा को आप तकलीफ क्यों देती हैं? हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, लाइए आपके हाथ भी दबा देते हैं। हमें क्या होना है? गरीब। हुजूर, कैसा लग रहा है आपको? खजूर की तरह। पिताजी, पिताजी। ठीक से बैठ। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, पूपी ने हमें ये गरीबों वाले कपड़े पहना दिए, देखो हम कैसे गरीब लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा गरीब तो आप लग रहे हो, क्योंकि कपड़ों के साथ साथ आपकी शक्ल भी गरीबों जैसी है ना। अरे पिताजी चुप तो आप करो, क्योंकि एक गरीब कभी दूसरे गरीब को ऐसा हुक्म नहीं कर सकता। और वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन्हें भी तो भूख लग रही होगी ना बेचारे। बीमा, खाना लगा हुआ है, शुरू हो जाओ। अरे ये क्या है, ये सूखी रोटी और सूखी चटनी? अरे हम ये खाना खाएंगे तो हमारे दिमाग की दही हो जाएगी, और यहाँ तो दही भी नहीं है खाने को। ये खाना है कोई भाई? क्या मजाक है, खाना कहाँ है? वजीरे आजम, रानी साहिबा ने यही खाना बनवाया है आप सबके लिए। उन्होंने कहा है कि गरीब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, इसलिए आपको भी यही खाना पड़ेगा। तो महल के बाकी सब लोग भी यही खाना खाएंगे ना? नहीं नहीं बासु जी, ये खाना तो सिर्फ शाही परिवार के लोगों के लिए है। महल के बाकी लोगों के लिए तो बिरयानी, शाही पनीर, कोफ्ते, रुमाली रोटी, गुलाब जामुन। चुप, चुप। दास, तुम जाओ, जाओ। ए भाई, थोड़ी बिरयानी लेते हैं। ये बहना क्या कर रही है? हमारे लिए सूखी रोटियां और चटनी, और सारे महल वाले दावतें उड़ा रहे हैं। आ
सलीम की अब्बू, आपने ऐसे पेट क्यों पकड़ा हुआ है? खाना हजम नहीं हुआ ना, चूरन लाके दो चूरन। अरे साहिबा, खाने को हजम करने का सवाल तो तब पैदा होगा जब हम कुछ खाएंगे। सवाल कर रही हैं आप रानी साहिबा, ये सूखी रोटी चटनी के साथ हम नहीं खा सकते हैं। पेट तो इसलिए पकड़े क्योंकि भूख लग रही है हमें। ये भी कोई पेट पकड़ना हुआ? अरे पेट तो लोग हमारे मैके में पकड़ा करते थे, और क्या पेट पकड़ते थे, क्या पेट पकड़ते थे, समझ में नहीं आता था कि पेट उनको पकड़ रहा है या वो पेट को पकड़ रहे। रानी साहिबा, भूख से वैसे ही हमारा दिमाग काफी गर्म हुआ पड़ा है, अभी आपने मैके की कहानियां सुनाकर उसे और गर्म ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है जहांपना, चलिए हमारी आंचल की छांव में सो जाइए, आपका पेट दिमाग दिल सब ठंडा हो जाएगा। चल कहां सोए? आंचल की छांव, ये है आपके आंचल की छांव? ये क्या कर दिया है आपने हमारे कमरे को, क्या बना दिया है हमारे महल को आपने रानी साहिबा? हम यहाँ ना ये चटाई चटाई पे नहीं सो सकते हम, हमें नहीं नींद आती ऐसी चटाई पे। क्यों, हम सो सकते हैं तो आप क्यों नहीं सो सकते? हमें नींद आ सकती है तो आपको क्यों नहीं? चलिए चलिए सो जाइए, नीचे बैठ के चलिए चलिए, गरीब लोग ऐसे ही सोते हैं जहां पर ना। चलिए जमीन पे सोई सोई सोई। रानी साहिबा, ऐसे तो हमारी गर्दन भी अकड़ जाएगी, तकिया कहाँ है? देखिए जहां पर ना, गरीब लोगों के पास तकिया वकिया नहीं होता, बस एक चद्दर होती है जो ओढ़ के वो लोग सो जाते हैं। चलिए एक एक चद्दर हम दोनों ओढ़ के सोएंगे? हाँ हाँ चलिए लीजिए, ये इधर यहाँ दीजिए। अरे हमें दीजिए, अरे अरे जहांपना, क्या किया आपने, क्या किया ये? जापना, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अरे पूछे मत बीरबल। ठीक है नहीं पूछते। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछिए, पूछिए। अरे रानी साहिबा के सर पे ये जो गरीबों की रानी बनने का भूत सवार है ना, नाक में दम कर रखा है हमारे, पहले तो हमें कुछ खाने को देती नहीं है, देखिए भूख से कितना सुखड़ गए हैं हम। ऊपर से कहती है चटाई पे सो जाइए, अरे हमें नहीं नींद आती है चटाई वटाई पे। और ये देखिए, ये आधी सी चद्दर दी है हमें जिससे हम ठंड से बच सके, इससे हमारा एक पैर नहीं ढकता है, इससे पूरा शरीर क्या ढकेंगे? हमें बचाइए बीरबल, कुछ कीजिए, हमें इस मुसीबत से बचाइए। ऐसा करने की सोचिए भी मत बीरबल, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ चलिए, अगर आपकी बातें बातें खत्म हो गई हो ना तो काम पे जाइए, चलिए जाइए। हाँ वैसे भी हमें दीवाने खास में जाना है, हम जा रहे हैं। दीवाने खास की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों की तरफ बाहर जाइए, घर से बाहर जाएंगे, धूप में काम करेंगे, दो पैसे कमाएंगे तो आपका घर चलेगा, जाइए। हम बाहर जाके मेहनत मुशक्कत वाला काम क्यों करें? अरे ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास। वो सब रियासत का है सलीम के अब्बू, आपका नहीं। हाँ आप तो गरीबों की तरह बाहर जाएंगे, कमाएंगे, तब जाके आपका घर चलेगा। हाँ जाइए जाइए जाइए। रानी साहब बहुत हो रहा है, ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा है बस। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ पूरी रियासत के सामने हमारी नाक कट जाए, हम झूठे साबित हो जाए, लोग क्या कहेंगे? हमें हिम्मत नहीं है, गरीबों की रानी बनने की हिम्मत नहीं है। जा बना, हमें लगता है कि रानी साहिबा सही कह रही, आपको वही सब करना चाहिए जैसे रानी साहिबा कर रही, उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, उन्हीं की तरह रहना चाहिए। हम तो सोचते थे बीरबल के आप हमारे दोस्त है, लेकिन आप तो हमारे दुश्मन निकले। हम आपके दुश्मन? और क्या, रानी साहिबा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं आप, हमें मजदूरी करने भेज रहे हैं आप। चलिए आपकी बातें खत्म हो गई हो तो जाइए काम पे जाइए। अब ये क्या है? ये सूखी दो रोटी और प्याज, आपका खाना।
हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सूखी रोटी और प्याज खाएंगे। ओ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अब गरीब है, ये गरीबों वाला खाना है, थोड़ी सी चटनी भी दी है। जहां पना को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। देखिए आप सब तो जानते हैं कि जापाना खुद अब एक गरीब की जिंदगी जी रहे हैं और गरीबों के यहाँ दास दासियां नहीं होती, इसलिए आप सबको निकाला जा रहा है। अरे बिरबल, बिरबल ये हम क्या सुन रहे हैं, इनको क्यों निकाला जा रहा है? जापाना का हुक्म है रानी साहिबा, जापाना का कहना है कि उनके पास जो खजाना है वो रियासत का है और रियासत के खजाने से वो इन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते। ये बिरबल, इनका काम कौन करेगा? आप हाँ रानी साहिबा, जो गरीब होते हैं वो खुद का काम खुद करते हैं और आप भी गरीब हैं तो काम तो आप ही को करना होगा। ओह हम समझ गए बिरबल, हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, गरीब तो खुद का काम खुद ही करते हैं ना, तो उसमें क्या है, हम भी करेंगे। और कहाँ से शुरू करें, इनको साफ कर ले पहले। हाँ कर ले, थक गए हम। बड़ा शौक था गरीबों की रानी बनने का, कमर ही टूट गई, इतना काम तक। वासो भाई साहब क्या कर रहे, दिखाई नहीं देता इतनी सफाई की है। ओहो फूफी, सफाई तो दोबारा भी हो जाएगी ना, आप मेरे कपड़े भी धो दीजिएगा। और पहना हमारे भी। क्या हम आपके कपड़े क्यों धोएंगे, आप धो लीजिए। बहना बहना, गरीब घर की औरतें घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और मर्द बाहर जाकर काम करते हैं, इसलिए हम दोनों काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, जाइए कपड़े दे दीजिए हमें, जाइए। ठीक है वो भी जाइए। अरे लगी मुझे पूछ, इतने सारे कपड़े दिए, अरे हम गरीबों की रानी है या महल की धोबन? हाँ कमर टूट गई, कितना दर्द हो रहा है, इतना सारा काम किया हमने पूरे दिन। हम गरीबों की रानी नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते हम गरीबों की रानी। ओ गरीबों की रानी, चलिए जल्दी से सामान बांध लीजिए अपना। क्यों? क्योंकि हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों 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 क्या रानी साहिबा, ये रियासत का महल है, हमारा महल नहीं है ये। अरे हम तो गरीब लोग हैं, जाकर अपने झोपड़े में रहेंगे, हम कुछ काम करेंगे, आप झोपड़ा संभालना, कितना मजा आएगा। वाह बहुत मजा आएगा जापना, और हम सचमुच गरीबों की रानी बन जाएंगे। चलिए चलिए, कहाँ है हमारा झोपड़ा, कहाँ है दिखाइए। नहीं अभी है नहीं, होगा कुछ पैसे वैसे कमाएंगे तभी तो हम खरीद पाएंगे अपना झोपड़ा। कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आप करेंगे, हम थोड़ा कमाएंगे, आप थोड़ा कमाएंगी। हम कैसे कमाएंगे जहाँ पर ना रानी साहिबा, आप सब्जी बेचने का काम करना। हम सब्जियां बेचेंगे, वाह वाह इतना मजा आ रहा है, हम तो सब्जी वाली बन गई। चल रानी साहिबा अब काम करो, गरीबों की रानी हो। ले लो ले लो, अरे कोई सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जी है भाई, ले लो गाजर ले लो, पालक ले लो, अरे लाल लाल टमाटर ले लो। चल अपना टमाटर कहीं और जाके बेच, ये हमारा इलाका है, चल निकल यहाँ से। अरे तुम फिर से आ गई, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे जैसी सब्जी बेचने वाली एक गरीब औरत से बात कर रही हूँ, चल जा यहाँ से कहीं और जाके बेच। हम यहीं पर अपनी सब्जियां बेचेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। नहीं जाएगी तू? तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी सब्जियां गिराने की? हाँ
साहिबा ये क्या बड़बड़ा रही हैं आप? देखिए हम ना ये सब्जियां नहीं बेचेंगे। हाँ, हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं रानी साहिबा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप सब्जियां नहीं बेचना चाहती तो आप किसी अमीर आदमी के घर पे झाड़ू पोछा कर लेना। देखिए जापना, हमें ना ये गरीबों की रानी नहीं बनना है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने उस सब्जी वाली की बात सुन ली और जिद कर बैठे कि हम सारे गरीब बन जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए जापना, सब कुछ ना पहले जैसा कर दीजिए आप। साहिबा, सब कुछ पहले जैसा कर तो दे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? आप फिर कभी ऐसी जिद नहीं करेंगी। हमें माफ कर दीजिए जापना, हम फिर ऐसी जिद कभी नहीं करेंगे। आप ना वो दास दासियों को बुला लीजिए। रानी साहिबा, वो सब यही है, वो सब कभी कहीं गए नहीं। मतलब ये रानी साहिबा कि ये सब एक नाटक था जो बीरबल के साथ हमने रचा ताकि आपके सर से ये गरीबों की रानी बनने का भूत उतर सके। रानी साहिबा, इस दुनिया में जो भी है सबकी एक वजह है। हर इंसान के अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने कर्म। अगर आप और जापना राजा और रानी है तो इसकी भी एक वजह है। कौन सी वजह बिरबल? रानी साहिबा, आप और जापना अपने कर्मों से लोगों की खुशहाली और तरक्की में मदद कर सकते हैं, गरीबों की जिंदगी बेहतर बना सकते। ये तो आपने सही कहा बीरबल। कुछ वक्त गरीबों की तरह बिताकर हमें एहसास हो रहा है कि ये गरीबों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किलों और परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए हमने तय कर लिया है बीरबल, जब तक अपनी रियासत से हम गरीबी को पूरी तरह हटा नहीं देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वाह जापना वाह, अगर आपने ऐसा कर दिया तो सदियों सदियों तक लोग रानी साहिबा को याद रखेंगे। हमें याद रखेंगे। रानी साहिबा, सब कुछ करेंगे हम तो रानी साहिबा को याद क्यों रखेंगे? क्योंकि जापना, आपको ऐसा करने की प्रेरणा गरीबों की रानी से ही तो मिली है। ये भी सही है। तो बोलो, गरीबों की रानी जिंदाबाद।